Assalamu alaikum, students of grade 5. Today I will explain you geometry chapter 13, use of the compass. Students, in this chapter we will know about circle, its parts and its construction. First of all, we know about the circle. A circle is a plane figure in which all the points are at a same distance from the center. अब देखिए सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक के पॉइंट आप ड्रॉ करेंगे वो सारे एक ही मेजरमेंट के होंगे, सेम मेजरमेंट के होंगे. नाउ पार्ट्स ऑफ अ सर्कल. नंबर वन इज सेंटर, द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच द सर्कल इज ड्रॉन. नाउ दिस इन दिस फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल. सेंटर जो होता है आपका फिक्स पॉइंट होता है और इस फिक्स पॉइंट से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं. नाउ नंबर टू इज सर्कमफ्रेंस, द बाउंड्री और पैरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस. इसकी बाउंड्री है, आउटलाइन है, इसको हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं और इसका पैरीमीटर भी कहते हैं. नाउ नंबर थ्री इज आर्क, अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड एन आर्क. ए बी इज एन आर्क ऑफ द सर्कल. नंबर फोर इज रेडियस, द रेडियस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस इज द रेडियस. रेडियस सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस की जो लाइन होती है वो रेडियस कहलाती है. आप रेडियस आप चाहे यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लें, चाहे यूँ ड्रॉ कर दें, चाहे यूँ ड्रॉ कर लें, या आपका सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन होगी वो आपकी रेडियस होगी. नाउ नंबर फाइव इज डायमीटर. Diameter is the segment that join any two points on the circle and it always passes through the center of the circle. P and Q is the diameter. जो line center को cross करती है वो आपका diameter होता है. Number six is chord. A line joining any two points on the circumference is a chord. CD is a chord. Circumference is circumference तक जो आपकी line टच कर रही है एक पॉइंट को दूसरा पॉइंट सर्कमफ्रेंस तक वो आपका कॉर्ड है. टू हाफ सर्कल्स आर कॉल्ड सेमी सर्कल्स. हाफ ऑफ अ सेमी सर्कल फ्रॉम क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, ये आपका क्वार्टर पार्ट है, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट. नाउ लेट अस लर्न हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल विच हैज 6 सेंटीमीटर डायमीटर. सो वी विल ड्रॉ अ सर्कल विच हैज अ डायमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर. If the diameter is 6 cm, what will be the radius? Radius is half of the diameter. Now we have to find radius. Radius, two radius milke ek diameter banta hai aur radius jo hai wo diameter ka half hota hai. Now we put the formula, diameter 6 cm, radius is equal to diameter upon 2. Radius 6 diameter upon 2 radius. Now divide it, 2 3s are 6, so radius is 3 cm. So 3 cm is the radius. Now using this radius 3 cm, we will draw a circle radius 3 cm. That means the circle will be having a diameter of 6 cm. So let's begin. We need pencil, ruler and compass. Now draw a line of length 3 सेंटीमीटर की. हमने एक लाइन ड्रॉ करनी. नाउ टेक योर कंपास. पुट द कंपास ऑन पॉइंट ए एंड दिस पेंसिल इज पॉइंट बी एंड कंप्लीट दिस सर्कल. आप इस सर्कल कंप्लीट करना है. So a circle of radius is 3 centimeter radius is drawn. Now I need to show a diameter. अब हमें diameter show करना है. Place the ruler on the line and extend the line from B to C. Line A to B 3 centimeter. अब line A से C, हमने B से C तक एक line को complete करना है.
Now radius number 2 is 3 cm and diameter is 6 cm. आपके दो रेडियस, एक रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड सेकेंड रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. नाउ द लाइन, कंप्लीट लाइन ए टू सी इज, डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, यू विल डू एक्सरसाइज 13.1 एंड लुक एक्सरसाइज 13.1 पेज नंबर 129. क्वेश्चन सी इज ड्रॉ सर्कल विद द फॉलोइंग डायमीटर. आपको डायमीटर दिए हुए हैं और आपको डायमीटर के हिसाब से ही आपको सर्कल ड्रॉ करना है. और डायमीटर मालूम करने के लिए, बनाने के लिए हमें पहले रेडियस मालूम करना होता है. नंबर ए इज 4 सेंटीमीटर डायमीटर, सो पुट द फॉर्मूला, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर 4 अपॉन 2. नाउ डिवाइडेड, 2 2 आर 4, सो रेडियस इज 2 सेंटीमीटर. नाउ ड्रॉ द लाइन 2 सेंटीमीटर. हमने 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की. टेक योर कंपास, कंपास से अपना सर्कल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पेंसिल और एक पॉइंट पे नीडल रख के आपने सर्कल को कंप्लीट किया. नाउ कंप्लीट दिस सर्कल एंड द हाफ डायमीटर इज रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड कंप्लीट दिस लाइन. अनदर रेडियस इज 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2B, 5 सेंटीमीटर डायमीटर. फॉर्मूला, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, रेडियस इज इक्वल टू 5.2. नाउ डिवाइडेड, 2.5 रेडियस, सो ड्रॉ अ सर्कल 2.5, रेडियस इज 2.5 सेंटीमीटर, हाफ रेडियस एंड सेकेंड हाफ रेडियस इज 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2 रेडियस, डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर. सो कंप्लीट दिस सर्कल ऑफ डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर सी, 4.8 सेंटीमीटर डायमीटर, सो द हाफ डायमीटर इज 2.4 सेंटीमीटर. जब हमने 4.8 को 2 से डिवाइड किया तो 2.4 हमें रेडियस मिला. नाउ द लाइन इज रेडियस 2.4 सेंटीमीटर, हाफ रेडियस 2.4 सेंटीमीटर एंड कंप्लीट दिस सर्कल. लाइन इज रेडियस सेकंड 2.4 सेंटीमीटर, 2 रेडियस 2.4, डायमीटर इज 4.8 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट इज 6.4 सेंटीमीटर डायमीटर. नाउ टेक द फॉर्मूला, डायमीटर अपॉन रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, रेडियस इज इक्वल टू 6.4 अपॉन 2 एंड डिवाइडेड, सो द रेडियस इज 3.2 सेंटीमीटर. नाउ द फर्स्ट हाफ रेडियस इज 3.2 सेंटीमीटर एंड कंप्लीट दिस लाइन. द सेकेंड रेडियस इज 3.2 सेंटीमीटर एंड 2 रेडियस 3.2 एंड 3.2 सेंटीमीटर, द डायमीटर इज 6.4 सेंटीमीटर. नाउ दीज आर 4 क्वेश्चन, दीज 4 क्वेश्चन डू इन योर कॉपी. एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर सी, ए बी सी एंड डी, दीज 4 क्वेश्चन डू इन योर ज्योमेट्री कॉपी. एंड नाउ लुक इन योर वर्कशीट पैड एंड टू पेज नंबर 149 एंड 151 इन योर वर्कशीट पैड. नाउ होमवर्क, एक्सरसाइज 13.1 पेज नंबर 129, क्वेश्चन सी, ए टू डी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही 4 क्वेश्चन इन योर ज्योमेट्री कॉपी. And do exercise of page number 149 and 151 in your worksheet pad. Thank you, students. Allah Hafiz.